गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार फ्रॉम रामनगर। तो हम लोग यहाँ पे आज अपने धोबियाडी वाले प्लॉट पे हैं। आप ये मेन रोड है यहाँ का गांव का, तो ये रोड हमारे ड्राइवर का गांव जाता है वहाँ पे। मेरा ये मेरा ड्राइवर है, ये थोड़ा सा छोटा मोटा फ्रॉड वाला है लेकिन अपना है बड़ा खास आदमी। मेरा अर्जुन है, कृष्ण ना तुम। अच्छा, तो आज का जो आप लोग ये हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना लेडीज़ लोग वीमेन वो लेबर नहीं आई हैं आज, क्योंकि बारिश हुई है कल रात में भी और परसों भी। तो लोग आज ना बोले कि धार में पानी आ गया है, तो कह रहे हम लोग आज मछली मारेंगे। तो उनका पूरा परिवार, सब लोग लोग अपने परिवार के साथ वो मछली मार रही हैं, वहाँ पे मछली पकड़ रही हैं। मछली पकड़ने को मछली मारना कहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने कहा कि जो बॉयज़ हैं, वो लोग जो हार्डी बॉयज़ हैं यहाँ हमारे, तो ये लोग आज सिर्फ वृक्षारोपण कर रहे हैं। माने इन द सेंस कि वृक्षारोपण से मेरा मतलब है पिंक पेपर और लेमन, खास करके लेमन हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये कौन सा पौधा है तुम्हारा सुबोध? जो भाट, इसको हटाओ, जो जंगल भाटी को भी तो हम लोग निकाल रहे हैं, उसको हटाओ उसको। तो ये जो है हम लोग गाड़ी से ही बार बार, माने चूंकि हमारा कामत 100 मीटर्स पे है, तो मेरा ड्राइवर सुपेन जो है और एक लड़का यहाँ से जाता है और सारे बैग्स को लेके आ रहा है वहाँ से, और यहाँ पे हम लोग पूरे लाइन को देते आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर प्लांटिंग इट। तो एक बार हम लोग इधर से ही चलते हैं सुबह नीचे इधर ना बन। अच्छा, तो किधर से? इधर से जाएं जी। अच्छा, यहाँ लोग थोड़ा सा साफ भी करते जा रहे हैं जंगल को। तो ये है, तो ये गाड़ी से हम लोग इतने सारे पैक्स लाए हैं और यहाँ पे लोग लगाए हैं। जैसे यहाँ से अभी तक सुबोध मुझे बता रहा है, सुबह हम तो अभी आए हैं आधे घंटे पहले, सुबोध जो है तो ये यहाँ से कामत से लेके जहाँ पे समर्शियल नेचुरल फार्म का बोर्ड है वहाँ से लेके यहाँ तक आया है, करीब 500 मीटर्स होगा ये। तो इसमें ये कह रहा है कि 350 नींबू के पेड़ ये लगाया है अभी तक सुबह से 2 घंटे में, और ये पूरा हम लोग 2.5 फीट 3-3 फीट की दूरी पे ही रख रहे हैं ताकि ये काफ़ी घना हो जाए और ताकि एक नेचुरल फेंसिंग हो जाए ये हमारा। यहाँ कुछ ड्रैगन फ्रूट भी जब हम लोग प्रोपागेट करेंगे तो वो भी लगाएंगे, ताकि जो स्ट्रे कैटल आती है अंदर में ग्रेजिंग के लिए वो मैनेज थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नींबू लगाया है, ढेर सारा पिंक पेपर लगा रही है, पिंक पेपर का ही है जो पुराने महीना भर पहले लगाया था। ये देखिएगा, ये सारे इसमें नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। ये पहले पत्ते पूरे सूखते हैं ये, और उसके बाद इसमें आता है। मोर्टैलिटी रेट इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, जो हम लोग बडिंग वाला रहता है 90% सक्सेसफुल हो जाता है, और जो ग्रो बैग्स में हम लोग करते हैं, बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो 90% मोर्टैलिटी रेट हो जाता है, उसमें 10% ही आते हैं। और ये सब जो है ना, दे विल स्टार्ट फ्लावरिंग नेक्स्ट ईयर ओनली। और कुछ तो जो पहले लगाए थे उसमें फ्लावरिंग आ चुका है, तो इसका माने हम लोग 5 ग्राम पिंक पेपर हम लोग हार्वेस्ट कर पाएंगे इस बार। तो इस पूरे लाइन में मैं थोड़ा दिखाना भी चाह रहा था आपको कि लोग लगाते कैसे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोसेस, बहुत सिंपल है। मैंने देखिए, लोगों ने पिट्स बनाए, सुबह ऊपर आओ, ये इन्होंने करीब 1 फीट का या 7-8 इंच का इन्होंने पिट बनाया है ना ये पे। और वहाँ पे जैसे विजय है, तो विजय प्लांट कर रहा है उसको, ये पिट का जगह सब में ही लोग भरते जाएगा, सब बैग को ले जाके यहाँ पे। विजय तुम एक बार बेटा दिखाओ यहाँ पे, तुम कैसे कर रहे हो, तो कैसे उसको ये कर रहे हो। तो ये देखिए, हम जैसा कि मैं बता रहा था 3 अगस्त को इसको तो लगा लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला। और पौधे हैं तुम्हारे पास? ला रहा है, जल्दी लेके आओ बबलू, जल्दी आओ लेके। तो ये जो है इसको ये करके, तो माने ये जो ग्रो बैग्स होते हैं इसको ये 3 तरफ से लोग फाड़ता है, और जो और अंदर में जो सॉइल जिसमें हम लोग बनाते हैं अपना सॉइल बेड बना के, जिसमें ग्रो बैग में करते हैं, इसमें 3/4 बायोमास हम लोग डालते हैं। जैसा कि हम कभी अपने प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था, 3/4 हम लोग 2/3 से 3/4 के बीच में हम लोग बायोमास डालते हैं। उसके बाद हम लोग मिट्टी डालते हैं, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, चिकनी मिट्टी भी ऊपर से डालते हैं, और थोड़ा सा गोमूत्र भी डालते हैं इसमें। और उसके बाद इसको ये 45 दिन के बाद इसमें वो जड़ आना शुरू हो जाता है, 1.5 महीना के बाद। और उसके उसमें उसी में कितना को ग्रो करने देते हैं, और जब अभी जैसे बरसात का सीज़न है तो इसमें हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। अभी तो हम लोग का अंदर का तो काफ़ी हद तक हो चुका है सुबह, अब हम लोग बाउंड्री पे कर रहे हैं ताकि हमारा एक नेचुरल फेंसिंग हो जाए। तो अब ये देखिएगा कि इधर चारों तरफ जो नेचुरल फेंसिंग है, ये पिंक पेपर और गंधराज नींबू से हो रहा है, कुछ सीडलेस लेमन्स भी हैं यहाँ, बीज रहित वाले जो हैं। और इसके अलावा आप आम के तो पेड़ देख ही रहे हैं, आगे जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग का कदम का पेड़ सब है ढेर सारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कदम का पेड़, नीम का पेड़, बांस, शीशम,
सिमर, ये सब इतने पेड़ हैं, हार्डी ट्रीज हैं, तो ये लोग दे एक्ट एज विंड ब्रेकर्स, कि जब आंधी तूफान आता है यहाँ पे, काफ़ी आते हैं थंडर स्टॉर्म सब, तो उसमें आपका पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये तो मैं अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। और हम लोगों ने करीब जो आज मैं बताऊँ आपको, ये जो बारिश हुई है उसमें हमारी चाची जो है सो एक ज्योढ़ी में एक नागोल है हमारा, जो एनक्लोज एरिया है वहाँ, जो किसी ज़माने में वो बेडिंग ये सब रहता था लेडीज़ का वहाँ पे, जब ज़मींदारी वाला समय था, अब तो ज़मींदारी ये सब नहीं है, तो तभी वो एनक्लोजर उसी को, उसको नागोल हम लोग कहते हैं। तो नागोल में एक सोजन का पेड़ था, तो उन्होंने उसको कटवा दिया है वहाँ पे। तो हमने क्या कि अपने सुबोध को बोला कि वो गाड़ी से हमने भेजा और उसके ठाल और स्टम्प्स कटवाए हैं, तो करीब 100 के आसपास स्टम्प्स और ठाल आ गए हैं यहाँ, जो कि हम लोग तोड़ी वाले खेत में लगाएंगे। और यहाँ पे जैसे वीडियो लगा रहे हैं, मैं आपको लगाने की विधि बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल विधि है, पर तब भी देखना चाहिए हम लोग को। विजय सेकंड को, हाँ एक सेकंड, अब विजय आपको दिखाएगा, यहाँ विजय हमको दिखाने दो, ये विजय दिखाएगा कि हम लोग ये लोग कैसे करते हैं। तो देखिए देखिए कि ये ग्रो बैग है, इसको ये तीन तरफ से फाड़ता है, जैसे अब ये फाड़ा और ये तीन जगह से फाड़ा इसको, अब इसको ये जो एक फीट का फिट है, एक फीट से कुछ कम ही है, इसमें ये इसको लगाया, इसमें जड़ आ गया बहुत अच्छा। अब इसको ऊपर से इसको मिट्टी से बंद कर देगा इसको, और जो इसमें वर्मी कंपोस्ट और बायोमास और चिकनी मिट्टी सब पहले से डली हुई है इसमें, और बारिश हुई है, मिट्टी गीली है, तो ये बहुत अच्छा निकलेगा। अभी जो सनलाइट इसमें पड़ेगा तो इसमें ये ग्रोथ बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। ये आपको हम लोग जब दो तीन महीने बाद जब हम फिर आपके साथ हम एक सेशन करेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि हाउ हेल्दी दे हैव ग्रोन। एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट यू हैव टू हैव पैशन फॉर इट। और एक बार पैशन आ गया इसमें ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देर इज नथिंग एज एनग्रॉसिंग, एज एब्जॉर्बिंग, एज इंटरेस्टिंग एंड एज एडिक्टिव एज द ओल्डेस्ट एंड द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑफ देम ऑल। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, आई वर्क फॉर रिलायंस फॉर 10 ईयर्स, आई वर्क फॉर अ टेक्सटाइल कंपनी एज सीनियर वाइस प्रेजिडेंट फॉर 3 ईयर्स, एंड आई हैव देन इन टू अ सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट, आई वाज द जनरल मैनेजर देयर, आई हैड माय फेयर शेयर ऑफ एक्सपोजर इन मध्य प्रदेश इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट आई टेल यू नथिंग एवरीथिंग पेल्स इन कंपेरिजन टू वट आई एम डूइंग नाउ। आई एम लिविंग माई मोमेंट एज द एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, इंटरेक्टिंग विद ऑल दीज सिंपल पीपल with their simple problems, and I am a part of their simple solution to their simple problems. So it feels very nice. So this is how they are doing it. So we have crossed the 300 thing, and now 350, and now we are extending this plantation to all these areas. As Subodh is taking us to this Dhobiyadi, and this is the boundary of our the boundary of our land. So here, and the driver has gone to get more plants, more bags, more bags from the nursery, and they'll all be planting it here. And then now, one thing, these are the mango trees. So what Subodh will do now, after this planting thing is here, he will start pruning these. इसको भी prune करोगे ना Subodh? जी. लकड़ी को ताकि इसमें धूप आए. जी. So this is what we are doing now, और post lunch session में हम लोग ये करेंगे सोजन का जो पेड़ का हम लोग लगवा रहे हैं वहाँ पे. तो विल टेक यू देयर, विल शो यू द प्रोसेस ऑफ, ये वो पूरा मल्च किया हुआ एरिया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको दिखाएंगे, आपको भी इंटरेस्ट लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर द डे, सो विल सी यू अगेन आफ्टर लंच। थैंक यू।